जी नवा कट्टा खुल गया, लोडिंग नहीं पौंदी। लोडिंग एक अचानक प्लंबर वेंदा पे उनको सड्डा से हूं लोडिंग पाती सी। लोडिंग पावण दे बावजूद बिल्कुल ओके थे गया, इंजेक्टर वाल तो पैप शेप लग गए बिल्कुल फिट थी गया। हाँ जी भी हूँ पानी पाओ तो रोटर फिट करके चलाओ। पानी पाता है, अद्धा ड्रम पानी का पा दिता है, बोर पता कौन नहीं पानी किधर गया। वलाग खोले, वलाग खोलने के बाद ये पोजीशन है कि उनका इंजेक्टर वाल टुटा हुआ, सारा पानी तले लीक थी गया। उसके बावजूद वलाग कड़े बार खोले, खोलने के बावजूद एक पैप त्रुट गए, खुलेंदे ले एक पैप करेक्ट थी गया त्रुट गया। उनका वध जोड़ लाया, वध हूँ लड़का गया उनका इंजेक्टर वाल गिना। ये पोजीशन है पप्पू के बोर की, पप्पू के मकान का सदका कढ़वाने। पप्पू कहते हैं सब कुछ हवा कढ़ाई तेरे मकान में निकल रहा सदका, तेरी हैसियत ठीक चल सी। ये पोजीशन है पप्पू की, अगे करवाया बोर, उनकी मजदूरी की दिन 7000 रुपया 70 फुट बोर करके गए। उस तो बाद जिस टाइम बोर थी है ये एर तक मकान है, इतना लेंटर तक चुकाठा के उत्ते तक मकान आए खड़े। रोटर 2 दफ़ा खराब थी चुके गए, 1000 रुपये ही गिन गए, 1000 रुपया गिन गए, 2-3 हज़ार का सामान लग गया रोटर ते। और रोटर हाल में भी ठीक को नहीं, ना बोर चल सही तरीके नहीं चलता, बल्कि रोटर तो ठीक है बोर नहीं चलता पिया। तो पप्पू को आज आदे हैं भी आखिरी फैसला यही हुई है कि तू सदका कट सब कुछ खवा, सदके वाले पैसे की सब खवा तो तेरा बोर ठीक चल सी। गर्मी का ये मौसम है, सूरत हाल है बिल्कुल पसीनो पसीन है, कपड़े बिल्कुल पिजे पैन बिल्कुल। मैं तो उत्ते चढ़ा खड़ा दरख्त साया गोल के खड़ा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है। उस्ताद मिस्त्री वधे थे तले तो वही गर्मी रुलदा खड़ा है, जुग बद्दी खड़ा है, बेहोश हैं। एडो सुंज बरिया बान है जंगल है, इंदी वार तुडे से मलिक पप्पू दे मकान इन्हें। ये तकरीबन 12 बजे से शुरू थे, 12 बजे तो टाइम थे गया 3 बजे आके प्रोजेक्ट कंप्लीट थी गए, मतलब खिले 3 दिनों में चौदह जलील थी आ कड़ाई 3 दिनों तो मोटर पानी नहीं दें दी, तेरी जान निचड़ दी तू बेफिक्र थी। वहाँ मैं घर घर टिका पे हाँ परेशान न थे, खोते सारे इन तू चुराव तो वधा रहे थे। मल दे तो घर की सेटिंग चेक करूँ, ये किचन ठीक है, किचन ये एक रूम, ये दूजा रूम, दू रूम, ये त्रै रूम, ये चार रूम, चार रूम इन ये जड़ी जहाँ पे यानी ये यानी कि हाल है इन जहा को इथू करके देसूँ सीढ़ी उत्ते उत्ते इधे एल टाइप, एल टाइप सीढ़ी देसूँ ते वाशरूम इन्हें बनेसूँ इस सावे ड्रम दे नाल परले पास जितना वो चार पई पई थी ना इतनी चार पई दे नाल इथू जाए जितना थेला पे थी सामने इतना इन्हें बनेसूँ वाशरूम बैठक पेसूँ इन जहाते गत देखे माहौल वी आई पी बने से मलिक का। रूटर का पानी पूरे हूँ ठीक चलता पे ठंडा है साफ है रेत छतनी मुझे तो आता रहा जो बोर मैं करे सा ना बोर का पानी ठंडा हो सी मिठा हो सी तो साफ हो सी मेरी गारंटी है। वहाँ के मोटर का पानी चेक करो प्रेशर क्या बात है।
पप्पू का बोर तैयार ठीक है, बिल्कुल ओके ठीक है। मोटर चला के डे आए हैं, मजदूर लगा भी आई हो, पानी छानी लैं का भी आया, अपने तराई शरीर करें भी आई। उस तो बाद असं निकले उतु जनाब गए हैं शहर, कोई लंगर पानी किया से, रोटी खाधी से, कोई एक दो काम करना ही शहर रोक किया से। उस तो बाद रवाना है वापस घर, तो रवानगी है घर पहुँचते हैं। गर्मी बहुत शदीद है, अल्लाह ख्याल करे मौसम ही बड़ा खड़े, बारिश का मौसम फुल खराब है अच्छा, अल्लाह ख्याल करे, अल्लाह पाक रहमत दी बारिश देवे, बस हर पास बदल ही बदल बने पे, अल्लाह पाक रहमत दी बारिश देवे। जड़ा दे मौसम खराब थे सारे को करोड़ बारिश नहीं लगी, एक नहीं लगी है, वह भी हल्की हल्की लगी है बस गुजारे थी। अल्लाह पाक रहमत दी बारिश देवे, घर पहुँचते हैं अल्लाह खैर करे। बड़ा शर्फ के दिवे दे लस्सी दूध बन के बने ने पीने हैं, सीरीज बड़ा दर्द है, बी पी लो थी आवाज़ है गर्मी की वजह तो। हाँ जी ये काम तो ये ख़राब थी कि असा है बिचू शॉर्टकट रस्ते नाल असा के घर जल्दी पहुँच वैसू, तो अगू वहाँ ये सारे लोग जड़े हैं क्या बात हैं, देखो ये रस्ता ही वो पर रस्ता है, रक्षा जड़े रस्ते पर खड़े थे, एडू रस्ता है पिछा रस्ते ना लाए हैं, तक फ्लड ला खड़े ने इतों वो माहौल बना खड़े ने, जंग आ लेन भाई, जब जंग में बारिश आती है ना तो यहाँ से ना लांघा जाता है ना टापा जाता है। चलो ट्राई में रहने हैं, कैमरा ऑफ करके मैं देखो बिच टपेना ही को या तले तो या तैयार सही या पार सही। पाँच सात मिनट की मुशक्कत के बाद घा के बिचों ही साइड तो बिचू करके टपा आए हैं मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल दाए टप बच गए हैं, अज तो पार थी गए तो अगर दला बारिश है, एक कहें गरीब अगर पार वजन ही रक्षा इतनी सड़क पर खड़ा के लगा गए, अगर उनका रस्ता यानी कि रक्षा नहीं मांग सकता, रस्ता बंद है। जिस टाइम मौसम ठंडा थी ना ठहरद तो माशाला सारे इतों फसलों की हरियाली देखने वाली होंगी है, हरियाली है हर पास, हरे भरे दिखती हर शह, माशाल्लाह कपड़ा चेक करो। ये भी अलहमदुल्ला सारे गवांढ़ी ने उन्होंने कपाह है, ये कपाह चेक करो, ये सामने खड़े तिल ये तिल चेक करो, ये देख माशाल्लाह कितने प्यारे ने तिल खड़े ने, बाजरा घा तो मेरे गवांढ़ी के तिल भी उतों ही देखने, बल्कि वो तिल तो तुम देखे उस पिछले वीडियो साढ़े को ज्यादा इतना कपाह की काश्त है, क्या बात है। सारी कपाह एक कपाह है, एक कपाह है, आज तल्ला बाग को ऐसा सबाब बनाए तो सारे खाले छोड़ी है, ना लांघा जाता है तो ना टापा जाता है। आज तो वीडियो से ठीक रहने एंड उम्मीद करें तो सारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर सारी वीडियो अच्छी लगी सारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।